नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सोशल साइंस का सिलेबस 2021 और 2022 का सिलेबस अपडेट कराऊंगा। अब की बार जो अभी हाल ही में अपडेट हुआ है, अब की बार जो सिलेबस है सोशल साइंस का वो थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, ठीक है? तो उससे मैं आपको अवगत करा दूं, मैं अपडेट करा दूं आपको कि अब की बार चैप्टर में, यानी कि अब की बार सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है और कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड पोर्शन है हमारा। तो हमें एक तो काफ़ी पढ़ने की जरूरत है, फिलहाल हमें काफ़ी पढ़ने की जरूरत है, और जो सिलेबस है वो पहले सिलेबस का लगभग 40% इंक्रीज हुआ है इसमें। यानी कि पहले केवल और केवल आपके हिस्ट्री में 2 चैप्टर थे, अब की बार आपके हिस्ट्री में 4 चैप्टर है, ठीक है? तो यानी कि पहले से सिलेबस अब की बार ज़्यादा है, आपको तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एक बार आओ सिलेबस पर जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री के अंदर देखो, ये अब का है मेरे भाई, अब का है ये 1 मई आज के दिन रात को अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब है 2021 और 22 का सिलेबस है जो अभी हाल ही में अपडेट हुआ, ध्यान रखें इस चीज को। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आपको अब की बार कौन कौन से चैप्टर रेडी करने हैं, तो हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपके पहली बार थे। अब की बार तो 2020 और 2021 का जो सिलेबस था ना, 2020 और 2021 का सिलेबस में हिस्ट्री के केवल और केवल ये 2 ही चैप्टर थे आपके, 1 और 3, ठीक है? लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार चैप्टर नंबर 1 भी है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बाद में आपके जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो 2 चैप्टर है ये भी इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन इनमें से ध्यान रखना, इन दोनों के जो क्वेश्चन आएगी इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, इनके बीच में मिलेगा आपको और, ठीक है? इनके बीच में और मिलेगा, यानी कि इसका मतलब वो इन दोनों में से आपको कोई एक चैप्टर रेडी करना है, ठीक है? चॉइस है इनमें, 3rd और 4th में आपकी चॉइस मिलेगी। जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, देखो हो सकता है यहाँ पे सीक्वेंस में थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन ये चैप्टर के नाम है, इनको ध्यान रखना। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड है, और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और उसके बाद में मैंने कहा ना, इन दोनों में आपको चॉइस मिलेगी, कोई एक करना है, क्वेश्चन इसमें से मिलेगा इसमें से मिलेगा, लेकिन आता कौन सा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी चैप्टर आपको रेडी करना है। तो ये काफी लेंथी चैप्टर है और काफी अच्छे चैप्टर भी है, ठीक है? तो इनको तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें, तरीके से तैयारी करोगे जब जाकर आप लोग हिस्ट्री को कवर करोगे, ध्यान रखना अब की बार हिस्ट्री काफी डिफिकल्ट बनने वाली है। उसके बाद में अगर डिलीटेड चैप्टर की बात करें, तो हिस्ट्री में डिलीट कौन कौन से चैप्टर है, तो डिलीटेड आपके जो चैप्टर है वो है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये पहले से डिलीटेड पोर्शन है इंडो चाइना वाला। वर्क लाइफ एंड इश्यूज, ठीक है, ये भी आप लेश्यूर, ये भी आपका डिलीटेड चैप्टर है। उसके बाद नोवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री, ये भी आपका डिलीटेड चैप्टर है। तो इन चैप्टरों को जब डिलीट ही है तो कोई काम ही नहीं है इनका, तो इनको देखना भी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम पॉलिटी की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिटी यानी कि सिविक्स के अंदर अब की बार आपके कौन कौन से चैप्टर है, तो सिविक्स के अंदर भाई आपका पावर शेयरिंग है एज इट इज, फेडरलिज्म है, उसके बाद जेंडर रिलीजन कास्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। यानी कि ये आपके जो 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर आपके अब की बार भी है, ठीक है? पहली बार अब की बार भी यही थे और अब भी यही है, ठीक है? ज्योग्राफी के अंदर भी चेंज हुए हैं, ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नहीं है, वाटर रिसोर्स नहीं है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने, केवल और केवल इनसे वन लाइनर क्वेश्चन और मैप वर्क क्वेश्चन आएगा। यानी कि पेरियोडिक टेस्ट में आपके इनमें से क्वेश्चन आएंगे और मैप वर्क में से भी इनमें से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा क्या पूछेगा मैं आपको बता दूंगा सारा, ठीक है, टेंशन ना लो। उसके बाद में एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट, एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, इस साल नहीं था लेकिन इस साल इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, इस साल इसको ऐड किया है, काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा है और लेंथी चैप्टर भी है, और सबसे ज्यादा मार्किंग का यही चैप्टर आता है ज्योग्राफी में, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, उसके बाद लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपके चैप्टर हिस्ट्री के है, ठीक है, सॉरी ज्योग्राफी के ये चैप्टर है आपके, इनको आपको तरीके से अच्छे से रेडी करना होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर आपका डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है। तो ये आपके सारे चैप्टर है जो आपके सोशल साइंस के पार्ट को कवर करेंगे। अब मैं इनकी मार्किंग वगैरह बता दूं आपको, मार्किंग के अंदर कौन सा कितने नंबर का होगा मैं आपको बता दूं, तो हिस्ट्री जो है वो 20 मार्क्स की आएगी, हिस्ट्री 20 मार्क्स की आएगी, पॉलिटिकल आपका 20 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री 20 की आएगी, पॉलिटी 20 की आएगी, ज्योग्राफी भी 20 की आएगी, ठीक है, ज्योग्राफी 20 की आएगी, और आपका
इकोनॉमिक्स भी 20 का आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 20, 40, 60 और 80 नंबर का आपका हो गया। आपके जो टोटल मार्किंग होगी, आपकी जो टोटल मार्किंग होगी वो मार्किंग आपकी 100 में से होगी, ठीक है। एक यानी कि 100, यानी कि 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, 100 नंबर में से 80 नंबर तो आपके जो एग्जाम है उससे कवर हो गए, और प्लस यानी कि 80 नंबर आपके एग्जाम के हो गए, और प्लस 20 नंबर जो हो गए ये आपके वाइवा के हो गए, ठीक है, यानी कि आपके प्रैक्टिकल वगैरह के हो गए 20 नंबर इसमें, तो ये ध्यान रखना। अब इन 80 नंबर में भी भाई साहब बड़ा लोचा है अब की बार, ठीक, अब की बार सीबीएसई ने अपडेट किया है, लगभग लगभग आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज की संख्या बढ़ा दी गई है, एमसीक्यू आएंगे, और आपके जो माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, माइंड बेस्ड यानी कि दिमाग के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत सारे आएंगे। अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि सीबीएसई ने क्या अपडेट किया है, ठीक है, और क्या क्या उनको करना है, और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, 40% के पोर्शन में क्या रखा और 60% के पोर्शन में उन्होंने क्या रखा, ठीक है। तो वो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मैं बता दूं, ये सोशल साइंस का 2021-22 का सिलेबस था, ये सिलेबस इसका था। अब की बार मैं धीरे धीरे सारे सिलेबस अपडेट करा दूंगा, कौन सा कहीं का, यानी कि अपने पार्ट जो है वो सारे अपडेट करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।